जिला में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 108 एम्बुलेंस स्टाफ को उपायुक्त कार्यालय में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने प्रशंसक पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान फरवरी माह में सेवियर ऑफ द मंथ के लिए लड़बड़ोल एम्बुलेंस के स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जलपा देवी तथा पायलट सुनील को सम्मानित किया गया, जिन्होंने फरवरी माह में एक क्रिटिकल प्रेगनेंसी के केस को हैंडल किया था। जिला में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 108 एम्बुलेंस स्टाफ को उपायुक्त कार्यालय में आज अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने प्रशंसक पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान फरवरी माह में सेवियर ऑफ द मंथ के लिए लड़बड़ोल एम्बुलेंस के स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जालपा देवी तथा पायलट सुनील को सम्मानित किया गया, जिन्होंने फरवरी माह में एक क्रिटिकल प्रेगनेंसी के केस को हैंडल किया था, जिसमें प्रसव के दौरान बच्चे की गर्दन में अमीर लिंकल कार्ड लिपटी हुई थी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जालपा देवी ने 108 पर कॉल कर डॉक्टर प्रेम से सलाह ली और एम्बुलेंस के अंदर ही महिला का सफल प्रसव करवाकर महिला और बच्चे की जान बचाई। वही मार्च माह के लिए जोगिंदर नगर एम्बुलेंस स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सुषमा देवी तथा पायलट रणवीर को सेवियर ऑफ द मंथ के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने एक ब्लड वॉमिटिंग केस हैंडल करके मरीज को जरूरी प्राथमिकताएं उपचार देकर उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। अप्रैल माह के लिए सेवियर ऑफ द मंथ लड़बड़ोल एम्बुलेंस के लिए स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जलपा देवी और पायलट सुनील को सम्मानित किया, जिन्होंने अप्रैल माह में एक एपिलेप्सी का केस हैंडल किया था, जिसमें मरीज को पैरालिसिस अटैक के बाद मिर्गी का दौरा पड़ा था। मरीज के परिजन ने 108 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही लड़बड़ोल के 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर मरीज को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई थी और मरीज को पालमपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी आशुतोष गर्ग ने सभी 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को बेहतरीन कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 108 नेशनल सर्विस अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को बेहतरीन सेवाओं की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी तरह कार्य करने का आह्वान किया। 108 जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, ये जितने भी हमारे इमरजेंसी हेल्थ केसेस आते हैं उनको डील करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कई बार ड्यूरिंग जर्नी जो है उसमें एम्बुलेंस में डिलीवरीज कराई जाती हैं या क्रिटिकल केसेस ये लोग हैंडल करते हैं। तो एवरी ईयर इस तरह के जो जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होता है उनको 108 की तरफ से सम्मानित किया जाता है। तो आज भी ऐसे हमारे पास 3 108 के एम्प्लॉयज़ थे, फार्मासिस्ट एंड ड्राइवर्स, जिन्होंने ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया था समय समय पे, तो उनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस मौके पर 108 नेशनल एम्बुलेंस के मंडी जून के प्रोग्राम मैनेजर मुश्ताक अहमद और जिला प्रभारी सौरभ ठाकुर भी उपस्थित थे। सर, मेरा नाम जालपा है, मैं 108 में CSC लड़बड़ोल में कार्यरत हूँ। आज हमें जो है ADC सर से अवार्ड मिला है, जो कि हमें क्रिटिकल केस हैंडल करने के रिगार्डिंग मिला है। हमने एक केस किया था, वो प्रेगनेंसी केस था। तो हम सीन पे पहुँचे, हमने देखा जो महिला थी उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था। हमने उसको जल्दी से जो है एम्बुलेंस में डाला और उसके वाइटल वगैरह चेक की। तभी हमें आभास हुआ कि उनकी जो है बहुत जल्दी डिलीवरी होने वाली है। तो हमने गाड़ी को जो है साइड पे लगा के एम्बुलेंस में ही अपने डॉक्टर को कॉल करके डिलीवरी करवाई। जब वो बच्चा डिलीवर हो रहा था तो हमने देखा जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो उसके गले में लिपटी हुई थी। तो हमने बड़ी ही सूझबूझ से उसको निकाला और उसके बाद जो है हमने एम्बुलेंस में ही डिलीवरी करवाई थी और दोनों को हमने CSC लड़बड़ोल में एडमिट करवाया था। जी, मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं जोगिंदर नगर CSC में 108 में काम करती हूँ। ये जो है मैं समान ADC सर से जो है ब्लड वॉमिटिंग के केस के लिए सम्मानित किया गया है। हमें एक केस मिला था बसाई का, वो ब्लड वॉमिटिंग का था और जो मरीज़ था उसको बहुत ज़्यादा सीरियस था। सर, उसको स्ट्रेचर में ला के उसके घर गए और स्ट्रेचर में ले आए और एम्बुलेंस में रखा और फिर सर उसके वाइटल चेक किए। फिर उसके बाद सर उसको बहुत ब्लड वॉमिटिंग हो रही थी और सर ERCP की एडवाइस से सर उसको जो ट्रीटमेंट बताया सर वो दिया और फिर जोगिंदर नगर हॉस्पिटल ले आए सर।